हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, और इसमें हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं, ये अध्याय 3 हमारा है, लोकतंत्र और विविधता। और आज के हम लोग टॉपिक में मैक्सिको ओलंपिक की बात करेंगे। मैक्सिको ओलंपिक, इसका मतलब 1968 में, 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक हुए थे। और उस ओलंपिक में कुछ ऐसा हुआ था कि रंग भेद की नीति या किसी कारण से खिलाड़ी के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, उस विरोध प्रदर्शन की बात करेंगे और यहाँ पे उसकी कहानी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैक्सिको ओलंपिक 1968, अब इसमें हुआ क्या था, तो शुरुआत करते हैं कि अमेरिका में अक्सर जो नागरिक अधिकार के लिए कुछ आंदोलन चलाए गए थे, और उन आंदोलन की कुछ घटनाएं हैं, और जिसमें मैक्सिको सिटी और इसमें ओलंपिक हुए थे। कब हुए थे? 1968 में। कब हुए थे? 1968 में, 68 में हुए थे। और इसमें एक दौड़ की प्रतिस्पर्धा हुई थी। कितने मीटर की दौड़? 200 मीटर, 200 मीटर की दौड़ की एक प्रतिस्पर्धा हुई थी। और फिर इसके बाद उसका पदक समारोह होना था, जिसमें पदक का वितरण किया जाना था। तो क्या हुआ कि अमेरिका में राष्ट्रगान बज रहा था, और उसमें क्या हुआ कि जो प्रमुख धावक थे, वो धावक दो अमेरिकी धावक थे, जिसमें एक थे टॉमी स्मिथ और दूसरे थे जॉन कार्लोस। तो ये सिर झुकाए हुए और मुट्ठी ताने हुए दो अमेरिकी धावक ये थे, और ये खड़े थे। स्मिथ और जो कार्लोस थे, ये एफ्रो अमेरिकी खिलाड़ी हैं, ये है ना, दूसरे देश से थे। और इन्होंने क्रमशः दो पदक जीते थे, एक स्वर्ण पदक जीता था और दूसरा कांस्य पदक इन्होंने जीता था। इन खिलाड़ियों ने क्या था विशेष बात, इन्होंने जूते नहीं पहने थे, और ये दोनों खिलाड़ी मात्र केवल मोजे पहने हुए थे। और पुरस्कार लेकर दोनों ने ये जताने की वहां पे कोशिश की थी कि जो अमेरिकी होते हैं, अमेरिका में रहने वाले अश्वेत लोग हैं, दूसरे लोग हैं दूसरे देशों के, ये गरीब हैं। स्मिथ ने क्या किया था, अपने गले में एक काला मफलर डाले हुए था, मफलर जैसा पहने हुए था काला, और ये एक तरह से जो अश्वेत लोग थे उनके लिए एक आत्म गौरव का प्रतीक उसने माना। ठीक इसी तरह जो कार्लोस थे, इन्होंने मारे गए जितने भी अश्वेत लोग थे उनकी स्मृति में एक काले मोतियों की माला पहनी हुई थी इसने, और अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने एक ध्यान आकर्षित किया, एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की कि अमेरिका में जो होने वाले रंग भेद चल रहा था तेजी से दूसरे देश के लोगों के साथ में, या दूसरे रंग के लोगों के साथ में जो भेदभाव किया जाता था, उसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से सभी लोग उस पदक समारोह थे, तो वहां पे ध्यान आकर्षित करने का प्रयास इन्होंने किया। और काले दस्ताने, बंधी हुई मुट्ठियां, अश्वेत शक्ति का ये प्रतीक थी। इसके अलावा जो रजत पदक जीतने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के धावक, अब जो ऑस्ट्रेलिया के धावक थे वो पीटर नॉर्मन थे, उन्होंने पुरस्कार समारोह में क्या किया कि अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाया, उन्होंने स्लोगन लगाया मानवाधिकार का, और इन दोनों खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन भी इन्होंने दिया, समर्थन उन्होंने प्रकट किया। तो ये घटना वही थी आपकी मैक्सिको ओलंपिक की। और इस मैक्सिको ओलंपिक में इन्होंने ये भी किया कि दौड़ के क्षेत्र में था, मैक्सिको ओलंपिक में जो दौड़ होनी थी, और उस दौड़ में 200 मीटर की ये दौड़ थी, और उसमें जो अश्वेत के खिलाफ जो है वहां पे रंग भेद नहीं चल रही थी, उन्होंने अपना उसमें प्रदर्शन किया। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ था, उसने कार्लोस और स्मिथ के द्वारा कुछ राजनीतिक बयान दिया, और इन्होंने ओलंपिक भावना के विरुद्ध इसको बताया, और साथ में उन दोनों को दोषी करार दे दिया गया।
और इससे उनके पदक वापस ले लिए गए और बाद में फिर अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं मिली। और फिर उनके निर्णयों से क्या हुआ, अमेरिका में जो बढ़ते हुए नागरिक अधिकार आंदोलन थे ये और भी ज्यादा तीव्र हो गए और दुनिया भर का ध्यान आकर्षित कराने में इन लोगों ने सफलता प्राप्त की। इस समय हाल ही में जो होज स्टेट यूनिवर्सिटी है और वहाँ इन दोनों ने पढ़ाई भी की थी, वहाँ पे इन दोनों का उस यूनिवर्सिटी में अभिनंदन किया गया। विश्वविद्यालय के अंदर इन लोगों की मूर्ति भी लगवाई गई और इन दोनों का फिर अभिवादन करने के बाद जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हुई तब उनकी अर्थि को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी शामिल थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि जो मेक्सिको में ओलंपिक हुए थे 1968 में, उस समय जो दो धावक थे और पदक विजेता थे, इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने किया, जिससे कंफर्म हुआ कि अमेरिका में रंग भेद नीति चल रही है। और फिर ये आंदोलन तेज हुआ और फिर वहां पे लोगों को राहत मिली और इसमें ढेर सारी व्यवस्थाएं और प्रावधान किए गए। तो आज हम लोग यहीं तक हम लोग बात करते हैं और आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा और इस कहानी को, इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसके नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले टर्न में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।